हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। फिर से लेके आ चुका हूँ नया रिक्रूटमेंट। आज ऑफिशियली रिक्रूटमेंट की नोटिफिकेशन जारी हुआ है IDBI बैंक की तरफ से, जिसमें एग्जीक्यूटिव की पोस्ट निकल के आया है 160 वैकेंसी, जिसमें सैलरी आपको 23,000 से शुरू होने वाला है। यहाँ पे एप्लीकेशन करने के लिए ग्रेजुएशन पास होना चाहिए, जिसका लास्ट डेट है 7 जून 2024। IDBI बैंक की तरफ से बहुत बड़ी भर्ती ऑल ओवर इंडिया में बहुत सारे ब्रांचेस में रिक्रूटमेंट किया जाएगा, जिसमें आप लोग एप्लीकेशन कर सकते हो। एक एक जानकारी आप लोगों को देने वाला हूँ, किस तरह से फॉर्म को फिलअप करना है, क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सब कुछ। चलिए दोस्तों देख लेते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन। दोस्तों इस बार की जो पोस्ट निकल के आया है IDBI बैंक की तरफ से, एग्जीक्यूटिव की पोस्ट है, जिसमें रिक्रूटमेंट किया जा रहा है। टोटल 1036 वैकेंसी, जिसमें SC के लिए 160, ST के लिए 67, OBC के लिए 255, EWS के लिए 103, अनरिजर्व के लिए 451 वैकेंसीज है। यहाँ पे आप लोग एप्लीकेशन कर सकते हो। यहाँ पे एप्लीकेशन करने के लिए जो एप्लीकेशन के डेट है, जिसका लास्ट 7 जून 2023 तक, आप लोग ऑनलाइन में एप्लीकेशन आपका भेज सकते हो। एग्जीक्यूटिव के जो पोस्ट निकल के आया है बैंक की तरफ से, इसमें एप्लीकेशन करने के लिए कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की भी बात किया गया है, एक एक करके उसका भी डिटेल आप लोगों को बताऊँगा। इस बार ऑफिशियली रिक्रूटमेंट की जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जहाँ पे पहला जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो है आपका एज क्राइटेरिया, दैट इज़ 20 से 25 ईयर इज़ द मैक्सिमम जो एज लिमिट जो है रखा गया है। यहाँ पे एज रिडक्शन भी मिलेगा, तो जितनी भी कैंडिडेट एप्लीकेशन करना चाहते हैं, अगर कैंडिडेट SC ST OBC है, वो लोग यहाँ पे एज रिडक्शन आपको मिल जाएगा। SC ST वालों को 5 ईयर, OBC वालों को 3 ईयर तक की एज रिडक्शन आपको मिल जाएगा। एप्लीकेशन करने के लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखा गया है, वह ग्रेजुएशन कंप्लीटेड कैंडिडेट चाहिए। ग्रेजुएशन पास करने वाले कैंडिडेट यहाँ पे एप्लीकेशन कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोगों को और एक बात बताऊंगा, एप्लीकेशन करने के लिए जो कैंडिडेट यहाँ पे एप्लीकेशन करना चाहते, उसका सैलरी जैसे मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ, 29,000 से 31,000 तक पर मंथ सैलरी आपको दिया जाएगा। एग्जीक्यूटिव की पोस्ट की ऑफिशियली इस बार की रिक्रूटमेंट के लिए, यहाँ पे आपको सिलेक्शन प्रोसेस फॉर द एग्जीक्यूटिव, जिसमें ऑनलाइन टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड पैरा जो मेडिकल टेस्ट होता है, इसका भी यहाँ पे टेस्ट होने वाला है, एंड इन तीनों के ऊपर बेस करके सिलेक्शन किया जाएगा। तो जो कैंडिडेट एप्लीकेशन करना चाहते, इसको डिटेल्स यहाँ पे दिया गया है। जो एजुकेशन ऑनलाइन टेस्ट होने वाला है, जिसमें लॉजिकल रीजनिंग, डाटा एनालिस्ट, इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल इकोनॉमी, बैंकिंग अवेयरनेस, इस तरह की जो है क्वेश्चन आने वाला है इसमें। एंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 200 मार्क्स के जो है एग्ज़ाम होने वाला है। यहाँ पे एप्लीकेशन करने के लिए आप लोग यहाँ पे जो है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ऑनलाइन में एप्लीकेशन भेजना होगा। ऑनलाइन में एप्लीकेशन भेजने के लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, जहाँ से यू कैन अप्लाई योर एप्लीकेशन। IDBI बैंक की तरफ से ऑफिशियली रिक्रूटमेंट की नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जहाँ पे आप लोग एप्लीकेशन कर सकते हो। बट यहाँ पे आपको एप्लीकेशन फ़ीस भी चाहिए SC ST PWD कैंडिडेट के लिए। एप्लीकेशन फ़ीस चाहिए 200 रुपीज़, बाकी कैंडिडेट के लिए 1,000 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ीस आपको चाहिए, जहाँ से आप लोग एप्लीकेशन कर सकते हो। एप्लीकेशन करने के लिए सारे डॉक्यूमेंट, जैसे आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन, कास्ट सर्टिफिकेट, वोटर कार्ड, वर्क एक्सपीरियंस, सब कुछ लेके आपको यहाँ पे एप्लीकेशन करना होगा। तो दोस्तों लिंक जो है नीचे दे रहा हूँ, जहाँ से आप लोग एप्लीकेशन कर सकते हो। आज के लिए इतना ही, अगर और भी कुछ जानकारी चाहिए डेफिनेटली कॉमेंट कीजिएगा, मैं उस कॉमेंट का रिप्लाई जल्द से जल्द देने वाला हूँ। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।